सकते हैं? कौन है? अरे कौन हो आने वाली? देखिए मैं हूँ बुढ़िया, अमरकोट से आई हूँ। अमरकोट से आई हो? अजीत सिंह की चिट्ठी लाई। अजीत सिंह की चिट्ठी लाई है? हाँ। मैं एक बार रानी राजा को खबर करता हूँ, राजा से बात करता हूँ, रानी से बात करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। रानी नमस्कार। अरे आइए मंत्रीवर। कोई बुढ़िया दुत्ती गेट पे खड़ी है। अच्छा, अजीत सिंह का पैगाम लेके आई। उसे आने दो। मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार दुत्ती, कहाँ से आई हो? मैं हूँ अमरकोट से आई हूँ, अजीत सिंह की चिट्ठी लाई हूँ। अरे मंत्रीवर कहिए, पढ़ो इसको। ये राजा अनार सिंह का लड़का, अजीत सिंह की चिट्ठी आई है। ये राजा अजीत सिंह है, अनार सिंह का लड़का। ये कह रहा है कि मेरी जो सगाई थी वो बचपन में तुम्हारी लड़की के साथ हो गई थी राजा प्रताप सिंह। अब मैं जवान हो गया हूँ, ख्याल करो, मैं अपनी मांग को लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हो इसके बदले? भाई पहले तो वो राजा थे। हाँ। लेकिन अब वो राजा नहीं है। अच्छा, अब वो तो दौड़ने का अधिकारी है। रहने को घर नहीं है और सोने को चारपाई नहीं है। अच्छा सुनिए, रागिनी आई क्या बात है? अरे किसी के मैं बेटी ब्याह दूँ, ओ आ
कमाल की सुन बोले डालो से। सुनिए चंद्र लाल अजीत सिंह की और दुनिया मैदर को बताया। चौथी बात में आपने कहे चंद्रलाल अजीत सिंह की ते दुनिया में दर कोन्या जंगल के माँ खेत गरीब का कहीं गांव में भी घर कोन्या मेरी बेटी के लायक बर कोन्या क्यों कर पूरा सर करूं सवाल किसके छोरी भी आदू वो मना सेकंगल भाई ये धन्य सजनों के नाम है दालू राम शर्मा कितने क्या आप बता रहे कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कंगाल आदमी है। इस चिट्ठी में लिख दो कि अजीत सिंह तुम्हारे पास 20,000 रुपए हो तो मेरी लड़की को बहने के लिए आ जाना वरना खाट के पात काट के सोचिए अरे नमो करके मत सोइए। ये तो इस बुढ़िया को हाँ। और दूती हाँ जी ये चिट्ठी ले जाओ और अजीत सिंह को दे देना। अच्छा भाई हाँ। सांग पार्टी खातिर बड़ी ऐसा भी भिजवा दो मुझे राजबाला का महल बताइए। राजबाला हाँ मैं उनसे बात करूंगी। उनसे मिलके जाओगी? हाँ तो जाइए सामने राजबाला का महल है जाती हुई उनसे मिलके चले जाना। ठीक है। हेलो हेलो कोई है आइए आने वाली आइए। हेलो आइए आप कहां से आई हो? मैं बरकोट से आई हूँ। अजीत सिंह की आपके पति की चिट्ठी लाई हूँ। मेरे पति? हाँ। क्या बकवास करती हो? सच कह रही हूँ आपकी हरिद्वार घाट के ऊपर बचपन में ही सगाई हो गई थी और तुम्हारे बाप ने बहुत जुलम किया है। क्या किया? इस चिट्ठी में 20,000 रुपए लिखे हुए हैं। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए हो अजीत सिंह हाँ। तो मेरी राजबाला को बिहाने के लिए चलाए हाँ। वरना एक कप चाय के साथ एक खट का पावा सट कर अपने घर सो जाए। बड़ा जुलम किया मेरे पिताजी ने। बिल्कुल सुनिए मेरी बात बताइए। बहुत अच्छे से दो अब आपके सामने माने हुए हमारे राम मेहर सिंह जी दुपड़धन और सरजू खासा बहुत दूर से जो हिंदुस्तान में मशहूर कलाकार है सचिन ठाकड़ पवन कुमार नकारा वादक सचिन ठाकड़ मेरा बेटा नारनौल से जो चंडीगढ़ से सेलेक्ट है अभी तो ये स्टूडेंट लड़का है फर्स्ट पोजीशन हाँ। पे सुनिए के दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। अच्छा माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। इस सुबह करो जान बिछावर अपनी प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे ये मेरी उम्र बीत गई यानी सखिरी में शानी बढ़ गई डड़न डड़न डड़न
की यानी सखी में शाने हो गई। न्यू सोच ले तू राज बाला, न्यू सोच ले तू राज बाला, अजीत की रानी बन गई। कमाई में से 50-50 रुपए दोनों बाबू बेटा ने कलाश और फाजिल को मान सम्मान के देते हैं। बार बार धन्यवाद। फट की सिक्का देख तू खोलिए, खते है खुशी काम करने होलिए। बोलिए बहना चुप नहीं रहना, क्या है पति का कहना, ये चबर है बहना पहन के कहना, मिला पिया से नैना। चन पन सुनेरी लड़ी थी, साजन की बंद गड़ी थी, मैं बाल कुंवरी बन गई। ये किया है प्यार जिसे जिसे हमने जिंदगी की तरह रोया से ना बीजने हमसे अजनबी की तरह किया है प्यार मेरे लाग क्या काटिए पिया ते अलग कदेला पटाटिए डाटिए डाटिए काया चोपन छाया प्याका लग्या उमाया ए सांस कचाया घना सुख पाया किरण पति और पति ने घना सताया। अरे पड़े आया ना पार्टी में ये सजन की गाड़ी में तू राठी कानी पड़ गई। हमारी बहन जी खुश होकर के इसी रागड़ी पर भाई बापू बेटों को 200 रुपए पहले 100 रुपए और सम्मान करती है। ओ हाय सर माऊ किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां अपनी प्रेम करके स्पेशल ये मेरे जो फाजिल है बेटा है अपना
₹50 इसके लिए और ₹50 मेरे लिए स्पेशल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। ये भाई हमारे भूपा के लड़के हैं, धन्यवाद धन्यवाद। अरे वो क्या है, एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत है, वो मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत कैसी होती है, और मेरा है यही एक धर्म, मैं रम लोटा है गल घोटा, कोई बड़ा कोई छोटा, ये कर्तव्य खोटा है दुख मोटा, पिया न मिटा दी सोटा, छोटो यो फांसी कड़की जैसे दमयंती और नलकी अमर कहानी बन गई। भाई थोड़े हैं, थोड़े हैं, 500 होने चाहिए, वो बैठा जा में बात करते, ये खर्चे खाने चाहिए भाई, प्रधान के पूरे 500 आने चाहिए, क्या करो, बोल दो 200 बोल दो, 200 रुपए देते हैं, धन्यवाद, बार बार धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश। हाय चंदर ने रागनी गा नहीं, ब्याह की खुशी सीवरे छा गई, ये आली बारी ब्याह की तैयारी सजेगी महल अटारे, राज कुमारी रही न कुमारी बड़ा पिया की प्यारी, न्यारी तू बड़ी जगह की जैसे जैसे नारी हूँ बड़ी जगह की जैसे सतवंती, मैं देशा की सिला सिखानी बन गई, ढीला बढ़ रहा ये सुभाष का बेटा नहीं है, के पास 20,000 रुपए हो या ना हो, अच्छा, लेकिन वो जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए चले आए, जी जाइए, ठीक है, डांस डांस। ये रागनी मेरे सजनों एनको स्टूडियो द्वारा हो रही है और ये रागनी किसी के पास नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है मेरे सजनों, यो तो लिफाफा खोल है, बहुत पुरानी रागनी, किसी संगी के पास नहीं मिलेगी एनके स्टूडियो, ये रागनी क्रमवीर बलबीर के टाइम के रागनी है जो लुप्त हो चुकी थी, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, आ रही बेग देख लो डांस फिर संग, आपके सामने डांसर मोनिका, चाहे 20,000 रुपए हो या ना हो, मेरी को बिहारी के लिए जरूर आवे, उनके सिवा
मैं और किसी के साथ शादी नहीं करवाऊंगी। अब ये परवाना दोनों जगह से लेकर के वो दूती अजीत सिंह से मिलती है और क्या कहती है। हाँ नमस्कार अजीत सिंह। नमस्कार माता जी, आ गई आप? हाँ। अच्छा मेरा काम करके ले आई? देखिए हाँ हेलो कोई बता दो। हेलो हेलो हाँ। ये देखिए इसमें लिखा है, ये प्रताप सिंह की चिट्ठी है। हाँ माता जी इसमें लिखा है कि हाँ। अजीत सिंह क्या लिखा है? राजवाला को बड़ी शौक से जाने के लिए आओ। अच्छा अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए हो तो आओ, वरना वैसलपुर की तरफ मुंह कर कहीं मत सोना। अच्छा इसमें लिखे हैं। और ये उस लड़की की चिट्ठी, ये राजवाला की। हाँ इसमें लिखा है कि मेरे पति के पास 20,000 रुपए हो या न हो जाने के लिए जरूर आवे। अच्छा। लेकिन राजवाला के कहने से शादी नहीं होगी। आज मैं कंगाल हूँ, दर्द का भिखारी हूँ, इस हालत में मुझे कोई 20 नए पैसे नहीं दे सकता। ये इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेके आऊंगा? वो राजवाला मेरे से नहीं गया। किसी शहर में आपके बाप का एक दोस्त था, यानी मेरे पिता का पगड़ी बदल यार है, यार था। हाँ। अच्छा उसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाइए। अच्छा वे बहुत दानी वीर है आपकी, मनसमल सेठ। अच्छा वो मेरी मदद करेंगे, आपकी तो बड़ी समझदार है माता जी। हाँ। आप बैठो और मैं जाता हूँ। अब बुढ़िया के कहने के मुताबिक अजीत सिंह लाला जी के मकान पे जाता है, जो उसके पिता का पगड़ी बदल यार था, वहां जाकर के और अर्ज गुजारता है और किस तरह से लाला जी से बातें होती है। साजना धान हरी तला गया, देर जरा सिना करी, अजीत सिंह लाला धोरे आ गया। हाँ मैंने कहा है कोई यहाँ? अरे सेठाड़ी। जी सेठ जी। देख बार कौन बोले है? मैं तो काम लग रही हूँ। काम लग रही है? हाँ। अरे उल्लू की पट्टी देख जाके कौन बोले है? अच्छा हाँ आदमी हो? हाँ। तो धक्के देके बार काट दिया लुगाई हो तो लिए भीतर। भीतर तो ना बोलिए। ना बिल्कुल भीतर तो नहीं बोलो बार बार तो। हाँ मैंने कहा नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है, क्या काम है आने, यहाँ आने का क्या काम है आपका? देखिए मेरा नाम अजीत सिंह है। हाँ। मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा। आपके लाला जी है यहाँ? कहते लाला जी साहब कंजा रहे दादरी। मेरा लाला जी तो बड़बर गया। बड़बर गया दुकान का हिसाब करना। तो ये भीतर क्या बोल रहा है फिर? यो मेरा बड़ा छोरा धर्मेंद्र बोल रहा है। इतनी मोटी आवाज तेरे छोरे की? मैं सुपीर बनी मोटा करने की। अच्छा मेरा दूध से फूलना। हाँ उल्लू की पट्टी जो आम जाती क्या करी, मेरा बड़ा छोरा बोल रहा है। हाँ और क्या मेरा दूध फूलना है? जो भी मेरे दूध की दो घूट ले लेना, उसकी ऐसी आवाज हो जाए भीतर तैयारी से। इतनी मोटी आवाज हो जाए ऐसा छोरा जम्मू सुमे सिपंड। एक काम करे। हाँ ये कहे तेरे दूध यानी इतनी विटामिन तेरे दूध में जी, जो भी पी ले उसकी मोटी आवाज हो जाए। हाँ फिर तुनू करे। हाँ। दो घुटल के सोनो तो दे। यो तो अट्टी लेनी भूल गो। यो अट्टी लगा लगा सूत रहे है। अच्छा हाँ। चलिए बाहर। बाहर नहीं जाऊं, बाहर मन लगे किस चीज का? मन डर लगे लुल्लू का। लुल्लू क्यों है? लुल्लू? हाँ तने नहीं बेरा लुल्लू? मैंने नहीं बेरा। अरे मैं जब छोटा था। हाँ तो मेरी माँ कहा करते बोले बेटा सो जाना लुल्लू खा जाएगा। ओ भाई रोहित इब तो तू बड़ा हो गया। फिर लुल्लू बड़ा नहीं हुआ होगा? अच्छा हाँ अजीओ तू लाला जी खड़ा आ ये रबारे लुलो डोल रामन रह के पड़ा हो जा लाला जी खड़ा बार लुलो डोल रामन रह के पड़ा हो गया मेरा तेरे बाप के दिल में जमाई और पड़ गया होगा इब जानी हुआ बचपन में तेरे पे लुल्लू चढ़ा होगा मैं जवान हुआ मेरे साथ साथ लुल्लू भी बड़ा हो गया डर क्यों काया बड़ा रेड़ रू गया
बहुत कुछ कर दू के कर दे के नहीं कर सकता क्या करे था मेरी दिमाग जो चाहे जित अजमाले मत भार का मर्द नहीं से ठाड़ी कर्म चाहे जो करवाले तो मन के मर्द अंदर के कल पितर की भीड़ वाले ये न मन के मर्द या तेरे मकुड़ ईटे चोर की खाले गुना जो रहते अड़ा चोराते अड़ा लिखड़ जगा छुड़ के चोर का नाम मूत मेरा रे जानी के हो जा मेरे बिना बेकार कौन तेरे ब्याह की आकर लेता जो मैं ना होती जाती तरह कर लेता ये तू ना होती सेठानी तेरी माता ब्याह मेरी माते ब्याह कर लेता हाँ तेरी माँ सो मेरी माँ और मेरी माँ सो तेरी माँ सत्यानासी फिर तो भाण भाई नहीं होगे हट तेरी माँ कित ब्याई है इसी घर में और मैं कित ब्याया हूँ इसी घर में फिर तो साटू नहीं होगे दोनों जो रहता माँ का मन बिगड़ा जो रहता माँ का मन बिगड़ा तेरे बाप पल्लेता जे रे ओ डना छाती के बड़ा हो जा लाला जी खड़ा रे भाई लुल्लू डोले से मन रहने दे पड़ा अच्छा मर्जी गड़ा तू हरने अच्छा मर्जी गड़ा तू ही मरता पहलो तो ये श्रीमान निहाल सिंह 100 रुपए इस रागने में प्रदान करते हैं बार बार धन्यवाद जय हो हाँ कहा है तुम्हारा लाला जी ये रे लाला जी अरे सेठानी चोर पंचो चोर पक्को चोर चोर की के पहचान अरे भाणा पाया पाटा पाटा तोर वही चोर को चोर लाला जी हाँ मैं चोर नहीं हूँ चोर नहीं है नहीं। फिर क्या है ये तो समय की बात है अच्छा हाँ समय जब होती है इंसान की तो अच्छे पीछे आदमी ने भी चोर को आते समय गरीब से बिछा देखिए लाला जी गली छे तो कितने चोर मना भाई उरे के काम है गरीब गरीब हाँ। फिर गरीब का क्या काम है नकदा नकदी का सौदा है पैसे दो काम लाला जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं कौन हो मेरा नाम अजीत सिंह है मैं राजा अनार सिंह का लड़का हूँ अमरकोट का रहने वाला हूँ ये तो वही है
मेरे यार का बेटा अजीत सिंह। हाँ हाँ आइए, क्या हाल है आपके? बस हाल तो बुरा है। अच्छा, हाँ तेरे बाप की सुना? मेरा पिता जो है वो लड़ाई में खत्म हो गई। एक मिनट, आप अंदर आइए। अच्छा। मैं आपके लिए चाय और दो बर्फी और दो रसगुल्ला अच्छा लाती हूँ, अंदर आइए। या माँ बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ एक बात बताऊँ? हाँ पुरानी का वाओ था ठाकर है ना, भी दीपा मंडेडा भी बुरा हो। अच्छा हाँ, तारी बाणजा नहीं है डोलिया पर का मुंह करके देखने की, इन ठाकरा की बाणजा नहीं है ना। अरे मेरा तो छोरा सा है, इसने बचपन में बहुत खिलाया हूँ मैं। अच्छा हाँ, यानी जब जिप छोटा सा था ना, जो मेरी गोद में मूत दिया करता। ईब नाम उता लिए। हाँ ईब नाम उता लिए। हाँ ईब इसका मूत है ना, वो मोटा हो रहा है। गट पकड़। हाँ शेठ जी, मैं आपके यार का बेटा हूँ। मेरा यार का बेटा है और टोचे में आपके पास चल के आया हूँ। तेरे बाप की क्या हाल है ये सुना पहले तो। मेरा पिता खत्म हो गया। और तेरी माँ? मेरी माँ भी खत्म हो गई। लाला जी, माँ मरे मेरी रोवे तू के बाद। अरे मनाया बहुत दिया करती के चूरमे के पिंड। अच्छा तू चूरमे के पिंड में रोवे, मेरी माँ थोड़ी रोवे। अरे मैं फागड़ में पिचकारी किसका मारूंगा, बाबी भी जाने वाली था। खैर कोई बात नहीं लाला जी, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। अजीत सिंह। हाँ बेटे, तुम्हारे माँ बाप क्या मर गए? आना जाना मेल मिलाप सब कुछ छोड़ के बैठ गए। मेल मिलाप? हाँ क्या तुम मेल मिलाप के बारे में कुछ जानते हो? मैं नहीं जानता पाऊंगा, मेरी सेठानी जानती पाओगी। अच्छा जानते जरूर पाओगे। सुनो, अगर जाते ही अजीत सिंह लाला जी से नुक देता कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए और वो कर्जा लेने के लिए आया हूँ, तो लाला जी कभी नहीं देता। आप धर्म के बहाने से, यारी के बहाने से धर्म के नर्जे में तोलता है और 20,000 रुपये का अपनी मांग का जिक्र करता है। हाँ सेठ जी, यारी के बारे में आप जानते हैं कुछ? जानते हैं यारी के बारे में? आप भी जानते हैं? हाँ। तो जरा आइए और मुझे समझाइए कि एक सच्चा यार किसे कहते हैं। आप का जवाब दे सकते हैं हम? अच्छा जवाब दे सकते हो? क्यों पूछोगे? तो मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। कि यारी क्या होती है? अच्छा। और यार को यार के लिए क्या करना चाहिए? मेरे सजनाओ, सारा सांग एक तरफ और ये रागिनी एक तरफ। सुनिए, हमारे गुरु जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है यारी के बारे में। लाला जी, मेल मिलाप करना तो मुश्किल यानी आसान बात है, लेकिन उसको निभाना बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल, यारी को निभाना बहुत बड़ी बात है, है? बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछता हूँ और आप जवाब देंगे। मेरी बात ये मेरे सजनों, करण सिंह सांगी बड़बर बुढ़ाना जिला झुंझुनू, और ये हमारे गुरु जी के प्रिय शिष्य हैं और भतीजे भी हैं। सुनिए, जहां भी आपको इनकी जरूरत पड़े तो ये आपके लिए आधी रात भी तैयार है मेरे सजनों। और रागिनी सुनिए, यारी के बारे में यार क्या कहता है सुनिए। बहुत अच्छे उस्ताद हो ये हमारे सरजू खा साहब और हमारे राम महेल सिंह जी दुपड़हन, जिन्होंने लिखे यो मेल मिलाप और दुखों का सागरी, और यो मुश्किल पारी करया जासे। सचिन ये है आवाज। हाँ इसका नाम है वाइटना के गिर सुरीली। क्या बात है, आवाज को रोकने के लिए जी खाना पड़ता है, बादाम खानी पड़ती है। अरे ये मेल मिलाप और दुखों का सागरी, क्या बात है छतरी, और मुश्किल पारी करया जासे। और वही मेल मिलाप निभावण किसने ओ लाला जी मने ज्ञान दे दे। अरे मेले का फर्जे, अरे टूटिए मैं
जो धन गरीब ने मांगे मान दे दे और यो किसा फर्ज हो देखे यारी का लाला जी सही बयान दे दे पैसे यारी का फर्ज हो के पह तो एक बात पूछूं, जब तुम्हारा पिता यहाँ पर आता था, अच्छा, हमारे सेठ जी और तुम्हारे पिता एक ही थाली में भोजन खाते थे। फिर तो सच्चे यार हैं। हाँ। जहाँ तुम्हारे पिताजी का पसीना पड़ता था, अच्छा, वहाँ हमारे सेठ जी खून देते थे। हाँ बताओ, सोया भी एक के घाट पर करा करते सच है। रे यार की आशे औलाद दुखी तो भर जाए आता के हो यार करे। अरे यार यार के सही बाप तब जाता प्यार करे। करे यार के घर में आजा कंगली तो फिर के यार विचार करे। यार यार के कंगली में अजीत सिंह अपना जिक्र करता है। सिरसा के रहने वाले हमारे बलबीर, हमारे मामा जी बहुत बढ़िया सांगी, इलाके के बहुत मशहूर बलबीर सिंह सांगी, खुश होकर के अपनी तरफ से 100 रुपए भिजवा रहे हैं। अगर यहाँ कहीं बैठे हो आसपास तो इसे ही बनाए, धन्यवाद। 100 रुपए देते हैं। धन्यवाद। हाँ।
जो यार के बेटे की मांग छूटे तो यार ने के करना चाहिए। अरे जो यार के बेटे की मांग छूटे भाई के जीवे मरना चाहिए। मन 20,000 मैं मांग मिले ओ क्यों कर कारजे सरना चाहिए। तेरे यार की खतरे 20,000 का तेरे यार ने मरना चाहिए। मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। यानी तेरे को 20,000 की सख्त जरूरत है। 20,000 रुपए के लिए मेरी मांग छूट रही है। आप अगर 20,000 रुपए दें तो मैं अपनी मांग को ब्याह करके लिया। तनु मेरा तू कितना रहा है? मैं यो मारे गुरुजी का एरिया है, चरखियाड़ा एरिया। बिल्कुल हाँ, 20,000 कितने ले जिए थे? पुराना इलाका है उनका, यही से उनका निकास है। बिल्कुल हाँ, तो एक बार दानी वीरों की सूची आई वो बोल दो। अच्छा, दानी वीरों की सूची तो बोलवाओ। चाहिए जी हाँ, 20,000 रुपए ले जाओ, यहाँ तो कोई कमी नहीं है पैसे की। अरे ओ सेठानी आ जा, ये सेठानी है ना थोड़ी सुस्त है। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाती है पगली। हाँ जी, ये जो अजीत सिंह है, ओ सेठानी जी, ये जो अजीत सिंह है हाँ। ये पैसे लेने के लिए आया है जी, 20,000 रुपए लेने के लिए आया है।
लेकिन कभी ये राजा का लड़का था, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पागल ही देगा कहां से, मेरे को ये समझ नहीं आती। बेरनी क्या इसको मैं पैसे दे दूं? देखिए सेठ जी, हाँ अपने तीन तीन फैक्ट्री चल रही। अच्छा, मारे कोई औलाद को नहीं। अच्छा, इतनी धन माया का पा के करेगा, यानी इसको पैसे दे दूं? दे दो। मैं तो नहीं देता। या तो तू दे दे। अच्छा, अनि दूंगी मैं। तू कितने देगी? अपनी तिजोरी में। तेरी तिजोरी में मैंने कल देखा था, खाली पड़ी है, कपड़े हाथ चला गया, कुछ नहीं तिजोरी में। हाँ, दो ताले लगे से। अच्छा, तू दूसरे उसमें धर रखा है। हाँ, ये कुछ दानी वीरों की सूची है। हाँ, सुना दानी वीरों के नाम सुना। ये